हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष के द्वारा। हाँ तो गाइस, फाइनली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को थिएटर में रिलीज होने के लिए जस्ट कुछ घंटे बचे और इन्हीं घंटों का वेट भाई साहब ऑल थलापति विजय सर के फैन कर रहे हैं। और जो भाई साहब मैं आप लोगों को बताऊं ना, बुकिंग ऐसी दबा के चल रही है। और ये जो वीडियो है ना, ये फाइनल एडवांस बुकिंग का है, क्योंकि बुकिंग तो चलती रहेगी, अंधाधुन चलती रहेगी। तो सब बता रहा हूँ कितना फीलिंग फास्ट हुआ है, कितने शोज है, कितने टिकट सोल्ड आउट हुए और कितने करोड़ की बुकिंग हो गई है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो ना, क्योंकि हम इसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं गाइस, कल मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द मेरा रिव्यू शेयर कर सकूं और आप लोगों के साथ अपना एक्साइटमेंट जो एक्चुअल में डायरेक्टर वेंकट प्रभु ने बनाया थलापति विजय सर के साथ, वो तूफान में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो भाई देखो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो से याद आया तो पहले बड़ी अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ कवर अप कर चुका हूं कि कहां कहां पे इसका फर्स्ट डे मिडनाइट में कहां से कितना होने वाला है। मिडनाइट में शोज के लिए काफी ज्यादा रश देखने को मिल रहा है और ये रश ऐसा है कि मैं आप लोगों को बताऊं ना, नजरें हट रही हैं, दुर्घटनाएं घट रही हैं, ऐसी बुकिंग हो रही है। तो भाई साहब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और सेलिब्रेशन तो स्टार्ट हो ही गया है, बाकी आप कितने क्या एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं तो डायरेक्ट तमिल 2D पर आ जाते हैं जो कि रीजनल लैंग्वेज है। तो भाई साहब इसके जो शोज है 7018 शोज है और टिकट जो सोल्ड आउट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 10,11,970, मतलब कि 70 ही बोल सकते हैं। और वहीं जो ग्रॉस निकल कर आया है वो निकल कर आया 20,34,22,045 का ग्रॉस निकल कर आया। एवरेज टिकट प्राइस जो है 204 रुपए का। हिंदी पर अगर मूव करें तो 2D, तो भाई साहब इसका जो अभी तक जो टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं 23,626 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। वहीं अगर अपन शोज की अगर अपन बात करें 2,670 टिकट है, ये अच्छा है। वहीं अगर अपन ग्रॉस की बात करें तो 39 लाख यानी कि 39,75,040 का इसका ग्रॉस निकल कर आया है। और एवरेज जो टिकट प्राइस है वो है 168 रुपये, 168 रुपये का है। तेलुगु पर अगर मूव करें, तेलुगु 2D पर, और भाई साहब यहाँ पर आप देखें जितना यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है स्पेशली बुकिंग को लेकर, क्योंकि बुकिंग ऐसी धड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि इतना रश है थलापति विजय सर का। और यार ओनली 3 लैंग्वेज में रिलीज किया है, तो आप सोच सकते हैं कि ओनली 3 लैंग्वेज में भी इतना दबदबा है। तो तेलुगु 2D की अगर अपन बात करें तो अभी तक जो टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं वो हो चुके हैं भाई साहब 4,000, मतलब कि 50,951 यानी कि 50,000 टिकट बोल सकते हैं, 30-35 का फर्क है। वहीं अगर अपन शोज की बात करें 1,754 शोज हैं और जो ग्रॉथ जो निकल कर आया है वो निकल कर आया है 67,54,473 रुपए का। एवरेज टिकट प्राइस जो है भाई साहब 143,143 रुपए का। तमिल आईमैक्स 2D पर आते हैं तो आईमैक्स वर्जन भाई साहब बहुत ही कम, मतलब कि नॉर्थ में तो एक तो PVR आईनॉक्स मल्टीप्लेक्स घंटा कहीं नहीं लगी है, बस मतलब यार ये सब नाम के हैं साले, मतलब कि सिंगल थिएटर में ही लगाया गया है। तमिल आईमैक्स 2D पर आ जाते हैं, इसके जो अभी तक टिकट सोल्ड आउट हो चुके 3,417 हो चुके हैं। शो जो है 40 शोज है और इसका ग्रोथ जो निकल कर आ रहा है 29,10,725 का निकल कर आ रहा है। एवरेज टिकट प्राइस है 885 रुपीज का, यानी कि 885 रुपीज का है। तो टोटल ऑल इंडिया से निकल कर आ रहा है, ऑल इंडिया से जो कलेक्ट होकर आ रहा है भाई साहब 21.71 करोड़ का निकल कर आ रहा है। मैं थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करूंगा तो थोड़ा सा और अमाउंट बनेगा, तो एक बार और मैं बता देता हूं 21.71 करोड़ का आ रहा है। और अभी तक जो टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 10,88,963 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और भारत में अपने जो शोज है भाई साहब 11,481 शोज है। वहीं अब आप देख सकते हैं ये ओनली तमिल, तेलुगु और हिंदी में और आईमैक्स में, मतलब कि गिने चुने शोज मिले हैं। अब आप खुद सोचे, मलयालम में रिलीज नहीं हुई है, कन्नड़ा में रिलीज नहीं हुई है, इवन आईमैक्स PVR और आईमैक्स में भी नहीं हुई है, PVR और फिर आईनॉक्स में और फिर मल्टीप्लेक्स में भी रिलीज नहीं हुई। अब आप एक पल के लिए सोचें, अगर ये तीनों चारों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते, यानी कि आईमैक्स वर्जन और ये सारा आईनॉक्स PVR मल्टीप्लेक्स में अगर रिलीज हो जाते तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहाँ जाता? नहीं, मुझे बताओ, मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा हूँ। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पे क्या होने वाला है। हाँ तो ये तो बात हो गई है लैंग्वेज वाइज, लेकिन अब बात कर लेते हैं मेन एरिए के बारे में कि कहाँ से कितना आया है। तो NCR की अगर अपन बात करें 54 शोज है, 12 फुल है, 6 फीलिंग फास्ट है। मुंबई की बात करें 158 शोज हैं,
मतलब समझ रहे हैं, 34 फुल है, 24 फिलिंग फास्ट। पुणे की बात करें 48 शोज है, 8 फुल है, 5 फिलिंग फास्ट है। बेंगलुरु में 1107 शोज है, 1107 शोज है, 218 फुल है, 192 फीलिंग फास्ट है। हैदराबाद की अगर अपन बात करें 143 शोज है, 143 शोज है, 22 फुल है, 16 फीलिंग फास्ट है। कोलकाता में काफी कम है, इट्स ओके, 2 शोज है, 1 मतलब कि ऑलमोस्ट फुल है, फीलिंग फास्ट नहीं है। अहमदाबाद की बात करें 22 शोज है, 1 फुल है, 2 फीलिंग फास्ट। चेन्नई की अगर अपन बात करें, हाँ चेन्नई का देखो यार, 911 शोज है, 787 मतलब कि 787 फुल है, 14 फीलिंग फास्ट है। जयपुर की बात करें 1100, चंडीगढ़ की बात करें 41, भोपाल की बात करें 111, मदुरई की बात करें, मदुरई में भाई यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, ह्यूज लेवल पे देखने को मिल रहा है। मदुरई में जो शोज है 206 शोज है, और जो फुल है 131 है, और जो 22 भाई सब फीलिंग फास्ट है। कोम्बितूर में 264 शोज है, 185 फुल है, 7 फीलिंग फास्ट। पांडिचेरी में 49 शोज है, 41 अपना फुल है और 0 फीलिंग फास्ट। सालिम में 49 शोज है, 43 अपना फुल है, फीलिंग फास्ट 0। विल्लोरे में 79 शोज है, 61 फुल है, 5 फीलिंग फास्ट। कोची में 311 शोज है, 55 फुल है, 75 फीलिंग फास्ट। मतलब देख रहे हैं कोची में कितना मतलब माहौल देखने को मिल रहा है। त्रिची में 46 शोज है, 42 फुल है, 0 फीलिंग फास्ट। त्रिवेंद्रम में 341 शोज है, 60 ऑलमोस्ट फुल, 68 फीलिंग फास्ट। विजयवाड़ा में 7321, वारंगल में 2000, गुंतूर में 4 शोज है, 1 फुल है, 0 फीलिंग फास्ट। विशाखापट्टनम में 8 शोज है, 3 फुल है यार, 3 बोल सकते हैं, 0 फीलिंग फास्ट। मैसूर में 85 शोज है, 18 फुल है, 12 फीलिंग फास्ट है। और वहीं हुबली में 25 शोज है, 1 फीलिंग फास्ट है। मैंगलुरु में 51 शोज है, 4 फीलिंग फास्ट है। और यार मतलब कि देवंगर अपोलोजी मतलब कि अमृतसर में 1 है, 0 फीलिंग फास्ट। भुवनेश्वर में 2 है, उड़ीसा में। दुर्गापुर में 2 है। और इंदौर में, मेरे इंदौर में भाई साहब 8 शोज है, 4 फुल है, 0 फीलिंग फास्ट। कानपुर में भी 0। कोलम में देखें आप, कोलम में 94 शोज हैं, 6 फुल है, 14 यानी कि 14 फीलिंग फास्ट। कोटियम में 30 शोज है, 2 फुल है और 6 फीलिंग फास्ट है। और मणिपाल कहाँ आता है नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 9 शोज है, 2 फीलिंग फास्ट। नागपुर में 6 शोज है, 2 फीलिंग फास्ट। नासिक में 8 शोज है, 0 फीलिंग फास्ट। नल्लोरे में 8 शोज है, 4 ऑलमोस्ट फुल है, 4 फीलिंग फास्ट। त्रिशूर में 108 शोज है, 108 शोज है, 11 फुल है, 16 फीलिंग फास्ट। बड़ोदरा में 15 शोज है, 0 फीलिंग फास्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है, किस तरह का दबदबा है। और अब आप खुद सोचो ना भाई, PVR INOX मल्टीप्लेक्स में तो ये नॉर्थ में रिलीज नहीं हुई है ना, ओनली 3 लैंग्वेज में आई है, तमिल, तेलुगु और हिंदी में आई है। भाई कन्नड़ा, मलयालम, भाई सब अगर मलयालम कन्नड़ा में भी होता तो कम से कम 20 मतलब कि 5-7 या 15 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिलता दोनों लैंग्वेज का। मतलब कि अगर देखा जाए ना तो डे वन में, जो मेरे प्रिडिक्शन बोलते हैं, डे वन में वन एंड ओनली थलापति विजय सर जो वर्ल्ड वाइड डे वन में जो अर्न करने वाले हैं हार्ड कैश, वो भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है 130 करोड़ होने वाला है। अब आप लियो को ही देख लेना, पिछले साल 149 की ओपनिंग ली थी डे वन में, और उनका भी सेम सिनेरियो था, हाइप काफी ज्यादा था, लेकिन नॉर्थ में प्रॉपर रिलीज नहीं हुई थी। लेकिन उस समय PVR INOX में भी थोड़ा बहुत रिलीज हो गया था, तो इसलिए इतना बड़ा निकल कर आ गया था। लेकिन मैं भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डे वन में 120 to 130 करोड़ का डे वन में भाई साहब वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाला है। बाकी मैं आप लोगों को बताऊं ना, दिल से सपोर्ट किया है थलापति विजय सर को, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों ने अभी तक बुकिंग की है यानी कि, मैंने तो कर ली है इसलिए मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, बताओ यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए।